हेलो एवरीवन, मैं मिनी कृष्णन आपके सामने अपन 17 चैप्टर वसंत का वीर कुंवर सिंह के बारे में देखेंगे, इसका सार देखेंगे। वीर कुंवर सिंह ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे और वीर योद्धा थे। इनके नाम के सामने वीर इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये एक बहुत ही बहादुर थे और सभी क्षेत्र में इन्होंने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये लेख स्वतंत्रता सेनानी वीर योद्धा कुंवर सिंह के जीवन व उनकी वीरता की झलक प्रस्तुत करता है। अब सबसे पहले जब अपन देखते हैं तो इनका परिचय अपन इस प्रकार है। इनके बचपन के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कि इनका जन्म बिहार में शाहबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 ईस्वी में हुआ था और इनके पिता साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था, है ना। इनके पिता जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, मीन्स बहुत प्रसिद्ध थे वहाँ के, और पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर पाए, मीन्स कि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि उनका बचपन में जो देखभाल किया जाना था अच्छे से वो अच्छे से नहीं हो पाया क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। इसके बाद कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर ही की थी। घर में ही उन्होंने हिंदी, संस्कृत व फारसी सीखी, लेकिन उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में अधिक लगता था। मीन्स कहने का मतलब ये है कि उनको पढ़ाई में इतनी दिलचस्पी नहीं थी। इसके अलावा उनको घुड़सवारी करना, तलवारबाजी करना और कुश्ती लड़ने का बहुत ही शौक था। 1827 में पिता की मृत्यु के पश्चात उन्होंने रियासत की जिम्मेदारी संभाली, मीन्स पूरा जो उनका था वो उन्होंने स्वयं संभाला। वे भी पिता की भांति स्वाभिमानी व उदार विचारों वाले थे। सेकेंड पॉइंट थे इसका ब्रिटिश हुकूमत पर अत्याचार। जब कुंवर सिंह ने जमींदारी संभाली तब ब्रिटिश हुकूमत पर का अत्याचार चरम सीमा पर था। कृषि उद्योग और व्यापार का बुरा हाल था। रजवाड़ों के दरबार समाप्त हो रहे थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित किया जा रहा था। कुंवर सिंह ने संकल्प किया कि वे ब्रिटिश हुकूमत से बदला लेंगे, मीन्स अंग्रेज हमारे देश में पूरी तरह से मतलब उन्होंने कब्जा कर लिया था और बहुत ही अत्याचार करते थे, तो उन्होंने इसको दूर करने का भरसक प्रयत्न किया। नेक्स्ट पॉइंट है देशभक्ति की भावना जागृत होना। जगदीशपुर के जंगलों में रहने वाले संत बसूरिया बाबा ने कुंवर सिंह में देशभक्ति की भावना को जागृत किया। अब ये गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाने लगे। बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई। 1845 और 46 तक वे काफ़ी सक्रिय रहे। बिहार में कार्तिक पूर्णिमा पर सोनपुर मेला लगता था जो कि एक विशेष पशु मेला होता था। यहाँ पर पशुओं की बिक्री के लिए लोग बाहर से दूर दूर से आते थे। वीर कुंवर सिंह ने उसे अपनी गुप्त बैठकों के लिए चुना। अब वीर कुंवर सिंह ने बहुत चालाकी से काम लिया। वहाँ पे दूसरे लोगों को परमिशन नहीं थी लेकिन वो गुप्त बैठक रखते थे उस स्थान पर ताकि वहाँ पे किसी को कोई किसी प्रकार की शंका ना हो। तो वीर कुंवर सिंह ने उसे अपनी गुप्त बैठकों के लिए चुना। वहीं पर सभी क्रांतिकारी मिलकर क्रांति की योजनाएँ बनाते थे ताकि अंग्रेज सरकार के को किसी प्रकार का कोई शक ना हो। मतलब उन्होंने ऐसे स्थान चुना था कि जहाँ पर किसी के आने जाने में कोई टोक नहीं थी लेकिन वहाँ पर जब कोई भी कार्य किया जाए तो उसमें किसी को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और कोई शंका ना हो। 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में अंकित है जिसने अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ें हिला दी थी। इसमें भाग लेने वाले प्रमुख सेनानी थे, आपने पहले भी इन लोगों का नाम सुना होगा, नाना साहब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान और राव तुलाराम। 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन में दिल्ली पर इन्होंने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर भारत का अंतिम शासन घोषित किया गया। दिल्ली के अतिरिक्त कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा में भी भीषण विद्रोह हुआ। इसी आंदोलन के आभार पर स्वतंत्रता आंदोलन की नींव पड़ी।
इसी विद्रोह में वीर कुंवर सिंह का नाम उल्लेखनीय है। इस वयोवृद्ध बूढ़े व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया और 27 जुलाई, ये आपको डेट याद रखना है, 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। तो सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इसके बाद में लेकिन सैनिकों में अनुशासन की कमी, मीन्स जैसा कार्य किया जाना था वैसा ना करते, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना एवं आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका ना जा सका। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई, मीन्स हार गई, लेकिन उन्होंने आत्मबल नहीं तोड़ा, निरंतर तत्पर रहे, मीन्स कभी भी वे हार नहीं मानते थे और कुछ का भी डटकर सामना करते थे, निरंतर तत्पर रहे। सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ, आजमगढ़, ग्वालियर, जबलपुर, इलाहाबाद, बनारस व जगदीशपुर, ये सब क्षेत्र इनकी वीरता से प्रभावित रहे। 22 मार्च 1858 को इन्होंने आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। इस दौरान एक बार फिर आजमगढ़ पर कब्जा करने से अंग्रेज हार गए। 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंचे। अब युद्ध की विशेष प्रणाली, ये था मेन पॉइंट। युद्ध कला में ये पूर्णतया निपुण थे, मीन्स बहुत ही साहस से, धैर्य से और हिम्मत से ये कार्य करते थे। ये छापामार युद्ध प्रणाली के आधार पर लड़ा करते थे। एक बार उन्होंने अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी, अंग्रेजी सेना उनका पीछा कर रही थी। उन्होंने चतुरता से यह बात फैला दी कि वे सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार करवाएंगे। अंग्रेज सेनापति डगलस बलिया के निकट पहुंच गया और वे सेना को शिवराजपुर नामक स्थान से नाव पर गंगा पार ले गए। यहीं अंतिम नाव पर सवार कुंवर सिंह को डगलस की गोली हाथ पर लगी तो उन्होंने अपना हाथ ही गंगा मैया को भेंट कर दिया। मीन्स कहने का मतलब ये है कि वो एक युद्ध क्षेत्र में जब रणभूमि में उतरे तो उनके बाएं हाथ में गोली लग गई थी तो उन्होंने अपना पूरा बायां हाथ ही काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। मीन्स कहने का मतलब ये है कि वो इतने बहादुर थे कि उन्होंने हम छोटे सा हमको कुछ लग जाता है, घाव हो जाता है तो हम उसी के पीछे लगे रहते हैं कि ये मेरे हाथ में ये हो गया, लेकिन उन्होंने एक पूरे हाथ की चिंता ना करते हुए उसको गंगा मैया को अर्पित कर दिया। इसके बाद में सामाजिक कार्यों में सहयोग। वीरता के साथ साथ इस सेनानी के हृदय में कोमल भावनाएं भी थी। उन्होंने अनेक सामाजिक कार्यों में भी योगदान दिया। स्कूलों के लिए जमीन देना, निर्धनों की सहायता करना, सड़क निर्माण कार्य करवाना, जलपूर्ति हेतु कुएं खुदवाना, तालाब बनवाना आदि कार्य करने का सौजन्य भी इन्हें प्राप्त हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट है सहयोगी स्वभाव। वे सभी के साथ सहयोग भावना से कार्य करते थे। हिंदू मुसलमान, मीन्स इसमें कोई भी उनमें जाति भेदभाव नहीं था। वो हिंदुओं के त्योहारों चाहे मुसलमानों के साथ मिलजुल कर मनाते थे, किसी तरह का भेदभाव नहीं करते थे। यहाँ तक कि उनकी सेना इब्राहिम खां और किफायत हुसैन उच्च पदों पर आसीन थे, मीन्स वो हिंदू होने के बावजूद भी उनके जो प्रमुख थे उच्च थे तो वो मुस्लिम ही दो व्यक्तियों को उन्होंने उस पद पर आसीन किया। नेक्स्ट है कुंवर सिंह की अंतिम लीला। 23 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह ने विजय पताका जगदीशपुर में फहरा दी, लेकिन अधिक दिनों तक उन्हें इस आनंद का लाभ उठाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ और इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों के ने यूनियन जैक अंग्रेजों का झंडा उतारकर अपना झंडा फहराया, लेकिन इसके 3 दिन बाद मीन्स 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी सदा के लिए छोड़ गया। कहने का मतलब यह है कि इन्होंने हर क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इस तरह के व्यक्ति हमारे देश में आजकल बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, जो कि इतने साहसी, स्वाभिमानी, पराक्रमी, जो कह लो उनके लिए कम है। तो बच्चों, इस पाठ से हमको ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें हार नहीं मानना चाहिए और हमसे जो बन पड़ता है उसके लिए हमको महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, जिस तरह से कि वीर कुंवर सिंह ने किया था। अब इसके क्वेश्चन आंसर हैं, तो इसके 6 क्वेश्चन हैं, तो आप ये लोग पीडीएफ में डाल दिया गया है मैंने, तो आप उसकी मदद से आपको ये करना है, ठीक है। तो आज के लिए ये वीडियो अपना यहीं पर कंप्लीट होता है।
अगला चैप्टर अपन अगली कक्षा में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।